यूपी में एक और बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया है। ट्रेनों के हादसे भारत में कोई नई बात नहीं है। भारत में बहुत भीषण ट्रेन हादसे हुए हैं, लेकिन यूपी में पिछले दिनों में जो ट्रेन हादसे हुए वो सिर्फ हादसा नहीं है, इसमें एक साजिश दिख रही है। अब सवाल ये है कि यूपी में ट्रेनों को कौन उड़ाना चाहता है। तमाम जाँच एजेंसियां हादसे की जाँच में शामिल हो रही है। आईबी के बाद अब माना जा रहा है कि एनआईए ने भी कानपुर ट्रेन हादसे की जाँच शुरू कर दी है। कानपुर के बिल्हौर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर के कालंदी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराने जाने के बाद ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना को बड़ी साजिश माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को एक झोले में माचिस बारूद और कांच की बोतल में पेट्रोल भी बरामद हुआ है। इस मामले में कानपुर के जेसीपी हरीश चंद्र ने बताया कि रेलवे अधिकारियों ने रात करीब 8 बजे ये सूचना दी कि प्रयागराज से भिवानी जाने वाली ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर एक सिलेंडर देखा और इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। सिलेंडर ट्रेन से टकराकर साइड में गिर गया। इसके बाद ट्रेन काफी दूर जाकर रुकी। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरपीएफ के लोगों ने आकर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि एनआईए जल्द कानपुर आकर अपनी जांच शुरू कर देंगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूपी एटीएस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है और यूपी पुलिस की 5 टीमें जाँच में लग गई है। हादसे को लेकर सरकार और आम लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि ये पहली दफा यूपी में ट्रेन को पटरी पर से उतारने की कोशिश नहीं हुई है। इससे पहले अगस्त महीने में कानपुर में ही गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई थी। इस हादसे में 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। तब रेलवे के अधिकारियों ने यह बताया था कि बोल्डर टकराने के कारण से यह हादसा हो गया और इस हादसे में भी साजिश की आशंका जताई गई थी। जुलाई महीने में गोंडा में ट्रेन हादसे के चलते चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 3 एसी डब्बे पलट गए थे और 13 पटरी से नीचे उतर गए थे। 3 यात्रियों की मौत हो गई और 33 घायल हुए थे। रेलवे की जांच में ये साजिश के एंगल को भी शामिल किया गया था और इस हादसे के कुछ दिन बाद ही अमरोहा में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। जांच एजेंसियों के दिमाग में एक चीज जो सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रही है वो ये है कि आखिर सारे हादसे यूपी में ही क्यों हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन सिर्फ यूपी में ही पटरी पर चलती है, इसलिए इन सारे हादसों को साजिश के एंगल से देखा जा रहा है। एनआईए की एंट्री इस बात को प्रमाणित करती है कि सरकार इस मामले को अब हल्के में नहीं ले रही है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।